एवरीवन, वंस अगेन वेलकम बैक। एंड आज की इस वीडियो के अंदर हम लिटिल बिट जो भी थोड़ी सी मॉडिफिकेशन रहती है वो करेंगे और इसके बाद हम फर्दर एडमिन डैशबोर्ड की तरफ मूव करेंगे। सो फर्स्ट हमारे पास ये पेजिनेशन का इशू है, ठीक है, कि हमारे पास लेफ्ट साइड पे आ रही है, ठीक है। तो इसको हम यहाँ पे सेंटर में शो कराना चाहते हैं, तो उसके लिए हम इधर पेजिनेशन के अंदर मौजूद हैं। ये जस्टिफाई बिटवीन ये क्लास लगी हुई है, लेकिन हमारे पास ये टेलमेंट सी एस एस से आ रही है, ठीक है। तो हम यहाँ पे कर देते हैं इसको कस्टम स्टाइलिंग देते हैं। मैं जो करता हूँ टेक्स अलाइन और टेक्स लाइन सेंटर, ठीक है। सेव करना है इसको और यहाँ पे आके रिफ्रेश करना है। तो ये देखिए हमारी पेजिनेशन सेंटर में आ चुकी है, ठीक है। अब मैं ये चाहता हूँ कि मेरे पास ये जो रिजल्ट आ रहे हैं, ठीक है, ये मेरे पास 9 यहाँ पे बुक्स आएँ या एटलीस्ट 6 आएँ और उसके बाद ये पेजिनेशन शो हों, ठीक है। उसके लिए सिंपली आपने इधर इंडेक्स कंट्रोलर पे जाना है जहाँ से आप ये पेजिनेट कर रहे हैं और यहाँ पे आपने इसको 6 पास कर देना है कि 6 बुक आपकी यहाँ पे डिस्प्ले हो। सो लेट्स गेट रिफ्रेश। ओके, 1 2 3 4 5 6, ओके। और इसके बाद अगर मैं नेक्स्ट करूँ तो यहाँ पे हमारे पास कुछ प्रोडक्ट्स आ रही हैं, ठीक है। और यहाँ पर ये नेक्स्ट डिसेबल हो गया है क्योंकि इससे और हमारे पास प्रोडक्ट्स एग्जिस्ट नहीं करती, ठीक है। और ये हम प्रीवियस पे वापस आ चुके हैं। तो इस तरह से आप पेजिनेशन को अपने मुताबिक कस्टमाइज भी कर सकते हैं। जितने नंबर ऑफ आइटम्स आप शो कराना चाहते हैं वो आप करा सकते हैं, ठीक है। ओके, देन फर्दर हमारे पास लॉगिन की फंक्शनैलिटी है कि यहाँ से हम लॉगिन कर सकते हैं contact@cdlcell.com। ये हमारी ऑफिशियल वेबसाइट है। अगर आपने कोई प्रोजेक्ट्स बनवाना हो तो आप हमसे इस मेल पर कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। ओके, सो यहाँ पर हम लॉगिन हो चुके हैं, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पर अपना जो भी लॉगिन का स्टफ है यहाँ पे अपना डैशबोर्ड इंप्लीमेंट करूँगा, ठीक है। क्या हमारे पास हमारे पास दो तरह के डैशबोर्ड होंगे, एक यूज़र डैशबोर्ड होगा और एक एडमिनिस्ट्रेटर डैशबोर्ड होगा। और अभी हमारे पास यूज़र डैशबोर्ड भी नहीं है। फॉर एग्जांपल एक यूज़र है जिसने जितनी प्रोडक्ट्स परचेज़ किए हैं उनको देखना चाहता है, तो उसको कैसे व्यू करेगा। लेट मी सी दिस आई हैव इंप्लीमेंटेड दिस आर नॉट, के मेरे ख्याल में ये हमने इम्प्लीमेंट नहीं किया। ओके, जी इसको हमने इम्प्लीमेंट नहीं किया। इसको हम यहाँ पे होम के अंदर इम्प्लीमेंट करते हैं, ठीक है। यहाँ पे कि जितनी भी प्रोडक्ट्स यूज़र ने परचेज़ की हुई हैं वो यहाँ पे डिस्प्ले हो जाएं, क्योंकि हमारे पास जिस प्रोडक्ट्स हैं और इसके अलावा यूज़र की हम प्रोफाइल की सेटिंग कर सकते हैं, ठीक है। हम यूज़र के यहाँ पर प्रोडक्ट्स को डिस्प्ले करा देते हैं। सो लेट्स गो टू द होम कंट्रोलर एंड हेयर वी आर रिटर्निंग दिस होम, राइट। सो इस होम पे हमने यूज़र की परचेज प्रोडक्ट्स दिखानी है, ठीक है। और आपको पता है कि हम यूज़र की स्पेसिफिक प्रोडक्ट्स किस तरह से दिखा सकते हैं। अगर हम परचेज प्रोडक्ट में आएँ तो यहाँ पे हम यूज़र की आईडी ले रहे हैं, तो जो भी हमारे पास लॉगिन यूज़र होगा, ठीक है, उसके अगेंस्ट हम उसकी सारी प्रोडक्ट्स को फैच कर लेंगे। तो यहाँ पर आएँ और आप करें परचेज प्रोडक्ट, ओके। और यहाँ पर आपने लगाना है वेयर, और यहाँ पर बिलोंग्स टू लगा सकते हैं, और आपने इसके साथ इधर रिलेशन बिल्ड करना होगा। तो अभी हमारा यहाँ पे रिलेशन बिल्ड नहीं है, ठीक है। हम वेयर सी पुल कर लेते हैं, वेयर यूज़र आईडी इज, यूज़र आईडी इज व्हाट्स आईडी, आई एम गोइंग टू रिटर्न द लॉगिन यूज़र आईडी, ओके। ऑथ एंड देन न्यू वर्जन्स के अंदर आप आईडी इस तरह से हेल्पर को भी कॉल कर सकते हैं, बजाय इसके कि आप इधर यूज़र का ऑब्जेक्ट पहले यहाँ पे गेट करें और उससे आईडी इस तरह से प्रॉपर्टी से गेट करें, तो आप डायरेक्टली यहाँ पे गेट कर सकते हैं आईडी हेल्पर से, ठीक है। ओके, और देन आपने क्या करना है, यहाँ पे गेट लगाना है कि उसकी जितनी भी प्रोडक्ट्स हैं वो आपने सारी फैच करनी है, ठीक है। ओके, अब इनको हमने एक वेरिएबल के अंदर भी स्टोर करना है, तो मैं ऐसे कह देता हूँ परचेज्ड प्रोडक्ट्स, ओके, इक्वल, एंड देन मैं इनको रिटर्न करा देता हूँ यहाँ पे कॉम्पैक्ट के जरिए। यहाँ पे पास कर दिया, अब होम पे आए और यहाँ पे यू आर लॉग्ड इन आ रहा है, जिस तरह से हमारे पास यहाँ पे आ रहा है। अब यहाँ पे हम डिफरेंट स्टफ शो कराना चाहते हैं, लाइक यहाँ पे हम टेबल शो कराना चाहते हैं। आप लिखें टेबल और टेबल के अंदर टेबल की क्लास दे दें, हमारे पास फीचर की क्लास है, और यहाँ पे आपने फिर टेबल को ड्रा करना है। तो सबसे पहले टी आर नहीं लगाते हम, टी हेड को डायरेक्टली कॉल करते हैं और टेबल एड्रेस के ऐड कर देते हैं इधर ही। सो हमारे पास सबसे पहला बनेगा
हम इंक्रीमेंट भी लगा सकते हैं, लाइक जिसमें क्या हो, जस्ट सीरियल नंबर हो, ठीक है। तो मैं इसको हैश से स्लैश कर रहा हूँ, जिसमें तरतीब से होगा कि वन प्रोडक्ट, टू, थ्री, फोर, इस तरह से, ठीक है। और उसके बाद देन प्रोडक्ट्स की और कौन कौन सी डिटेल है हमारे पास, प्रोडक्ट का नेम है, इसकी क्वांटिटी है, प्राइस है, और उसका इमेज भी हम पहले डिस्प्ले कराएंगे, ठीक है। इमेज, उसके बाद प्रोडक्ट का नेम, ठीक है, कॉपी कर लें, पेस्ट कर दें मल्टीपल टाइम। नेम के बाद हमारे पास क्वांटिटी है, ठीक है। इसके बाद हमारे पास प्राइस है, प्राइस के बाद हमारे पास क्रिएटेड एड है कि कब ये प्रोडक्ट हमने परचेज की, ठीक है, या इसको हम परचेज एड भी कह सकते हैं कि जब हमने इसको परचेज किया था, ठीक है। ओके, अब हमारे पास यहाँ पे टी बॉडी स्टार्ट होगा, ठीक है। और टी बॉडी के अंदर टी रो और टेबल डेटा, ठीक है। तो इस पर हम फॉर ईच लूप लगाएंगे, सो फॉर ईच हम ब्लेड की लगाएंगे, और यहाँ पे जो भी वेरिएबल वहाँ से आ रहा था, ठीक है, उसको आपने ऐड करना है। तो वेरिएबल का नाम क्या था, परचेज्ड प्रोडक्ट्स, ठीक है। तो आपने वेरिएबल को हमेशा डिस्क्रिप्टिव देना है, ताकि जब आप उसको आपने कॉपी ना भी किया हो तो आप जस्ट उसको टाइप कर सकें, आपको याद हो कि मैं इस तरह से इसको कन्वेंशन देता हूँ। तो यहाँ पे प्रोडक्ट टेबल रो, और इसके अंदर टी डी के अंदर हमारे पास आएगा प्रोडक्ट का, गैलरी से पहले रिलेशन चेक होगा, ठीक है। अगर रिलेशन होगा प्रोडक्ट गैलरी, तो देन उसका नेम है, नहीं इमेज है, ठीक है, उसका इमेज फेच कर लो, अदरवाइज इसको अपडी छोड़ दो, ठीक है। ओके, देन हमने यहाँ पे नेक्स्ट लगाना है जी प्रोडक्ट, और प्रोडक्ट है तो उसका नेम डिस्प्ले करा दो, ठीक है। और यहाँ पे गाइस आप इसका जो भी प्रोडक्ट का नेम है आप वो डिस्प्ले करा सकते हैं, ठीक है। बट आपने यहाँ पे ऑब्जेक्ट को इस तरह से चेक नहीं करना कि आपके पास सेट है या नहीं, क्योंकि हमारे पास टॉप पे ये ऑलरेडी यहाँ से इनिशियलाइज होके आ रहा है, ठीक है। तो अगर ये नल होगा तो यहाँ पे इसको नहीं करेगा, सो यहाँ पे नेम आ जाएगा, ठीक है। एक हमारे पास कॉलम टॉप पे रहता है, इसको हम लेटर ऑन ऐड करते हैं। इसको अगर मैं पेस्ट करूँ इस तरह से, ओके, पहले नेम है मेरे पास, फिर है क्वांटिटी, ओके, फिर है मेरे पास प्राइस का ऑब्जेक्ट, ओके, फिर मेरे पास है क्रिएटेड एड, ठीक है। और ये जो अनवांटेड है इनको मैं रिमूव कर देता हूँ। और यहाँ पे गाइस आपने क्या शो करना है, इसका एक सीक्वेंस शो करना है, पहले वन प्रोडक्ट, टू प्रोडक्ट एंड सो ऑन, ठीक है। तो उसके लिए आप कैसे करेंगे, एक आपके पास तरीका ये है कि आप यहाँ पे टॉप एक वेरिएबल बना लें, और उस वेरिएबल को यहाँ पे लूप थ्रू करें, प्लस प्लस कर दें, तो उसके हर बार उसमें एक इंक्रीमेंट होगा, ठीक है। हम एक एक्स्ट्रा वेरिएबल नहीं बनाते, हम यहीं से इसके अंदर ये एक वेरिएबल बनाते हैं जो हम फॉरिच के अंदर बना सकते हैं, की है डॉलर की, ठीक है। तो इसकी जितनी भी कीज होंगी वो हमारे पास आ जाएंगी। फॉर एग्जाम्पल, पहली बार ये पहली की को पुल करेगा, ठीक है, तो हमारे पास की 0 आएगी, फिर 1 आएगी, फिर 2 आएगी, ठीक है। हम चाहते हैं कि हमारे पास पहली बार 0 ना आए, पहली बार 1 आए, तो उसके लिए आप क्या करें, सिंपली प्लस 1 कर दें, कि जब 0 होगा तो उसमें प्लस 1 होगा तो वो वैल्यू 1 हो जाएगी, फिर 2 होगा तो उसमें 1 ऐड होगा, सॉरी 1 होगा तो फिर उसमें 1 ऐड होगा तो वैल्यू 2 हो जाएगी, ठीक है। तो इस तरह से ये आपका इंक्रीमेंट सही से काम करेगा। आप इसको रिफ्रेश करें और चेक करें कि आपके पास सही वर्क कर रहा है, ओके, 1 2 इमेज नहीं है, प्रोडक्ट नेम एंड सो ऑन, थिंग्स एवरीथिंग इज वर्किंग फाइन एक्सेप्ट द इमेजेस, ओके। अब हम इमेज को देखते हैं हमारे पास क्या, इसका परचेज प्रोडक्ट का, आई थिंक हम इसका परचेज प्रोडक्ट के साथ हमने रिलेशन बिल्ड नहीं किया हुआ, ठीक है। सो हम या तो एक तरीका ये है, मैंने आपको बताया था कि हमारे पास लेटर ऑन में भी इस प्रोडक्ट का इमेज चेंज हो सकता है, ठीक है। अगर हम फॉरेन की के जरिए इसका रिलेशन गेट कर लेते हैं तो इसका लेटर ऑन इमेज चेंज हो सकता है, ठीक है, ये मसला है। अभी मैं इमेज को डिस्प्ले करा देता हूँ, बट मैं आपको दूसरा केस बताता हूँ कि इसमें मसला क्या हो सकता है। मैं यहाँ पे कॉपी किया इसको, पेस्ट किया, और मेरे पास यहाँ पे इमेज की आईडी है, लो मैं डायरेक्टली इमेज को स्टोर करा रहा हूँ, दैट्स द बेस्ट वे, ठीक है।
अच्छा, अब यहाँ पे इस रिलेशन के जरिए गेट ना करने का मकसद क्या है, मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ, क्योंकि ये सिनेरियो मैंने ऑलरेडी इसको इंप्लीमेंट कर रखा है। अगर मैं यहाँ पे इसको प्रोडक्ट से अचीव करूँ, ठीक है, प्रोडक्ट्स के अंदर ये जो प्रोडक्ट आईडी है ये हमारे पास गैलरी के अंदर यहाँ पे ऐड होगी, और इससे हम इसका इमेज गेट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इस बुक टू का जो इमेज था इसको हम अपने परचेज प्रोडक्ट्स के अंदर डिस्प्ले करा रहे थे। अब जो हमारे पास प्रोडक्ट का ओनर है, ठीक है, उसको ख्याल आता है कि जो भी प्रोडक्ट की इमेज है वो सही नहीं है, ठीक है, अब उसको मॉडिफाई करना चाहता है, अपग्रेड करना चाहता है, वो उसको अपग्रेड कर देता है। तो अब जो जो प्रोडक्ट हमने परचेज की होगी वहाँ पे भी वो अपग्रेडेड प्रोडक्ट डिस्प्ले होना शुरू हो जाएगी, जो कि रॉन्ग है, क्योंकि हमने परचेज तो डिफरेंट चीज़ की हुई है। इस वजह से आप उसको हार्ड कोड करना पड़ता है, और प्रीवियस वीडियोज़ के अंदर ये मैंने इसको हार्ड कोड किया हुआ है, ठीक है। ओके, यहाँ से रिमूव करें इसको, और देन यहाँ पे होम पे आ जाएं, और डायरेक्टली आप इसके इमेज को एक्सेस कर लें, ठीक है। इमेज है हमारे पास, और इमेज का पाथ हमारे पास म्यूटेटर से भी आप गेट कर सकते हैं। और अगर आप जिस तरह से हम इम्प्लीमेंट कर रहे थे इसको प्रोडक्ट के अंदर, गैलरी के अंदर, सॉरी, क्योंकि हमारे इमेजेस गैलरी के अंदर है, ठीक है, जिस तरह से यहाँ पे हम कर रहे हैं, तो हम इसको यहाँ से कॉपी करते हैं और आ जाते हैं हम जी। आई थिंक मैं इसका फुल पाथ भी स्टोर कर रहा हूँ, एक मिनट, एसेट्स लाइक, यस, मैं फुल पाथ भी इसका स्टोर कर रहा हूँ, हमें म्यूटेटर की ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है, यहाँ पे। सो सेव करें और रिफ्रेश करें, आपके पास इमेजेस लोड होना शुरू होंगे। अब आई गॉट, लेट्स रिमूव दिस कंडीशन, एल्स कंडीशन इज स्टिल देयर। ओके, हमारे पास इस तरह से आ गया, हमें इमेज टैग के अंदर शो कराने की ज़रूरत है। सो मैं यहाँ पे एक इमेज बना लेता हूँ, इमेज इसकी मैम प्रोडक्ट इमेज, ये वाला जो आल्ट का टैग होता है ये आप लाजमी दिया करें, क्योंकि ये एसईओ के लिए बेस्ट होता है, ठीक है। स्टाइल कर दें इसकी, नॉट विंडो, इट्स अ विड्थ 50px, देन इट विल बी गुड फिट इन दिस टेबल। रिफ्रेश, और देखिए हमारे पास प्रोडक्ट आ चुकी हैं, ठीक है। सो इसको आप लिटिल बिट मोर स्मॉल कर सकते हैं, अगर आप इमेज को तो आप स्मॉल करना चाहते हैं तो आप साइज 40 कर दें, आपके पास लिटिल बिट इस तरह से स्मॉल हो जाएगा। तो आपके पास इमेजेस आप परफेक्टली आ रही हैं कि यूज़र ने ये प्रोडक्ट्स परचेज की हुई है, ठीक है। और यहाँ पे जो लेबल है इसको भी आप चेंज कर दें, आप इसको बना दें। मैं यहाँ पे इसकी ट्रांसलेशन को ख़त्म कर रहा हूँ, क्योंकि हमारे पास ट्रांसलेशन अभी नहीं है। परचेज प्रोडक्ट्स, ठीक है, रिफ्रेश करें, तो ये देखिए परचेज प्रोडक्ट्स आ गया है, ठीक है। और यहाँ पे भी हम ऐड कर सकते हैं यूज़र की परचेज प्रोडक्ट्स आ जाएँ, उसके बाद हम यूज़र की यहाँ पे प्रोफाइल भी सेट कर सकते हैं, कि यूज़र अपना पासवर्ड वगैरह भी चेंज कर सकता है, ठीक है। और ये एक आइडेंटिकल चीज़ है, इसमें आप यहाँ पे लॉग आउट करें, अगर यूज़र अपना पासवर्ड भूल गया है, ठीक है, तो यूज़र यहाँ से रीसेट कर सकता है, यहाँ पर फॉरगॉट योर पासवर्ड पे क्लिक करेगा, ठीक है। लेटर ऑन हम इसके डिज़ाइन को भी अपग्रेड करेंगे, और यहाँ पे अपनी ईमेल लिखेगा और सेंड लिंक करेगा, तो यूज़र अपना पासवर्ड यहाँ से चेंज कर सकता है, ठीक है। और बाकी जो हमारे पास रजिस्टर की फंक्शनैलिटी है, हमारे पास वो यहाँ से यूज़र अपने आप को रजिस्टर कर सकता है। एक मिनट, हमारे पास जब कोई भी यूज़र आता है तो हमारे पास प्रोडक्ट्स को वो परचेज करता है, यहाँ से हमने रजिस्ट्री की फंक्शनलिटी रखी थी, ठीक है, यहाँ से वो अपने आप को रजिस्टर कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल, मैं आता हूँ गायत्री आजी के अकाउंट से, सबमिट किया मैंने, मैं हो गया लॉग इन, ठीक है, मेरे परचेज प्रोडक्ट्स 0 हैं। अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ है, जब आपके पास प्रोडक्ट ना हो आप यहाँ पे डिस्प्ले करा दें नो प्रोडक्ट्स परचेज जेट, इस तरह से, ठीक है, आप उसको टेबल शो ही ना कराएं। तो उसके लिए आप यहाँ पे पहले चेक कर सकते हैं, काउंट इधर लगा देंगे, क्योंकि हम एरे को काउंट करना जा रहे हैं। सो परचेज्ड प्रोडक्ट्स ग्रेटर देन 0, देन ये डिस्प्ले हो, एल्स में क्या डिस्प्ले हो, यहाँ पे हो अंदर नो प्रोडक्ट परचेज्ड येट। ओके, इसको आप कर दें क्लास टेक्स्ट टू सेंटर भी कर दें, और टेक्स्ट डेंजर भी कर दें, और टेक्स्ट बोल्ड भी कर दें, ठीक
ठीक है, और टेबल को यहाँ पे पेस्ट कर दें। अब क्या होगा, जब आपकी प्रोडक्ट्स होंगी तो ये टेबल शो होगा, जब आपकी प्रोडक्ट्स नहीं होंगी तो ये मैसेज शो होगा। रिफ्रेश करें, ये देखें नो प्रोडक्ट परचेज्ड येट। ठीक है, इसको लिटल बिट स्मॉल कर देते हैं क्योंकि इट्स नॉट लुक्स सो फैंसी। रिफ्रेश करें, ओके स्टिल लिटल बिट बड़ा है। ओके सो अब हमारे पास ये सही आ रहा है। तो यहाँ पे यूज़र की डिटेल शो होगी, और अब मैं यहाँ पे अगर शॉप पे जाऊँ, एक शॉपिंग करूँ इस यूज़र की, प्रोडक्ट वन ऐड टू कार्ट किया, प्रोडक्ट इज़ आउट ऑफ स्टॉक। ओके मैं आता हूँ अब प्रोडक्ट डिफरेंट पे, ये जो मेरे पास 251, ये प्राइस में परचेस करता हूँ, क्लिक किया, प्रोडक्ट एडिड टू कार्ट। ओके मैं यहाँ पे कार्ट पे जाता हूँ, और ये देखें वन आइटम आ रहा है यहाँ पे। ठीक है, और यहाँ पे यस, मैं इसकी क्वांटिटी को भी इंक्रीज कर सकता हूँ। यहाँ पे मैं करूँ, ये देखें इसकी प्रोडक्ट की प्राइस अपडेट हो गई है, यहाँ पे भी अपडेट हो गई है। मैं इसको फिर से रोल बैक करता हूँ, एंड यस प्राइस हमारे पास सही आ गया। और हमारे पास यहाँ पे इसका डॉलर साइन क्यों नहीं आ रहा, अगर मैं कार्ट पे आऊँ इसका डॉलर साइन वैसे तो आना चाहिए। फिर मैं आऊँ कार्ट पेज पे, सर्च करूँ करेंसी, स्ट्राइप डॉट करेंसी सिंबल का टोटल इसके साथ क्यों नहीं आ रहा। अगर मैं ये वीक अंदर जाऊँ मेरे पास मौजूद होगा। पेमेंट पेमेंट करेंसी सिंबल स्ट्राइप कॉन्फिग के अंदर स्ट्राइप, और यहाँ पे है जी करेंसी सैम्पल, पेमेंट करेंसी सैम्पल यहाँ पे मौजूद है, स्ट्राइप के अंदर करेंसी सैम्पल यहाँ पे मौजूद है, ये स्कूल पे नहीं दिखा रहा। ओके अब हमारे पास आ गया है, पहले क्यों नहीं आ रहा था, वियर्ड स्टफ। अगर मैं गो बैक, अगर मैं यहाँ पे होम पे जाऊँ फिर से वापस आऊँ उसमें, ओके अब आ रहा है हमारे पास में भी। अच्छा यहाँ पे मैंने अगर इसको किया डिक्रीज तो यहाँ पे नहीं आ रहा। ठीक है, जब हम एजेक से इस चीज़ को ऐड करते हैं तो वहाँ से ये चीज़ नहीं आ रही। ठीक है, तो उसके लिए सोल्यूशन क्या है कि या तो आप इसको स्पैन से बाहर रखते हैं, ठीक है, ताकि जब आप स्पैन से एजेक से वैल्यू लोड करें तो ये आपके पास इस वैल्यू को ख़त्म यहाँ से ना करें। ठीक है, या फिर आप इसको अपेंड कर सकते हैं अपने एजेक के ज़रिए। ठीक है, यहाँ पर मैं इसको इंक्रीमेंट करूँ, ये देखिए मेरे पास इंक्रीमेंट कर रहा है, बट यहाँ पर भी अब स्पेस आ रही है। ठीक है, रिफ्रेश करूँ, यहाँ पे अब स्पेस नहीं आ रही है, इसका कलर भी चेंज हो गया है। हम इसको अपने जावास्क्रिप्ट से ही अपेंड करते हैं। अगर हम इधर आए, ये हमारे पास प्राइस इसकी अपेंड होती है, और कार्ट को इंक्रीज और डिक्रीज करते टाइम। ठीक है, सो यहाँ पे हम ले लेते हैं जी वेरिएबल इक्वल, ओके दो हमारे बॉस दोनों संभाल आ रहे हैं, हम कुछ इस तरह से ले लेते हैं इसको, और इसका नेम देते हैं करेंसी, पेमेंट करेंसी आप दे सकते हैं इसको। ठीक है, मैं इसको जल्दी में ले रहा हूँ तो मैं इसको ऐसे ही दे देता हूँ। हाँ ये हमारे पास डिक्रीज पे काम करेगा। रिफ्रेश किया, ओके ये देखिए हमारे पास यहाँ पे भी सैंपल आ गया, यहाँ पे भी हम ऐड करना चाहते हैं। सो इसको आपने यहाँ से करना है कॉपी, इसको आप टॉप पे भी डिक्लेयर कर सकते हैं और एक सेपरेट उसके अंदर लोकल वेरिएबल करके भी कर सकते हैं। ओके यहाँ पे आ जाएगा अब कैलकुलेट टोटल कार्ट आइटम, तो यहाँ पे भी हम कराना चाहते हैं। ठीक है, सो यहाँ पे भी आपने कर देना है, और ये वेरिएबल या तो आप ग्लोबल बना लें, इसको यूज़ करते जाएँ। ठीक है, रिफ्रेश करें, अब हमारे पास ये देखें स्पेस पहले भी अच्छा आ रही थी। ठीक है, यहाँ पे मैंने किया, यहाँ पे ये देखें डॉलर आ गया, यहाँ पे भी डॉलर आ रहा है, यहाँ पे किया स्टिल डॉलर आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे रिफ्रेश करूँ, स्टिल द रिज़ल्ट इज सेम, बट हेयर यहाँ पे भी हमारे पास डॉलर आ रहा है। ठीक है, एजेक से आ रहा है, वहाँ से वैसे रिफ्रेश से नहीं आ रहा था, हम रिफ्रेश पे भी दिखा देते हैं ताकि हमारे पास सिमुलेट करें चीज़ें। कार्ड आइटम प्राइस तो यहाँ पे हमारे पास आएगा,
इसको कॉपी कर लूँ यहाँ से, यहाँ पे सेव करें। ओह यहाँ पे आ रहा है, ठीक है मैं इसको यहाँ पे कराता हूँ। रिफ्रेश करें तो ये देखिए यहाँ पे आ चुका है। ठीक है अब मैंने इंक्रीमेंट किया, यहाँ पे भी आ रहा है, यहाँ पे भी आ रहा है, बट यहाँ पे स्पेस जो है ये नहीं आनी चाहिए। ठीक है सो इस स्पेस को कैसे ख़त्म करना है इसको आपने यहाँ से ख़त्म करेंगे तो स्पेस ख़त्म हो जाएगी। अब यहाँ पे जावास्क्रिप्ट से ये चीज़ कैसे ख़त्म होगी, ऐसे ये स्पेस दूसरी है यहाँ पे आना तो नहीं चाहिए, बट अगर आ रहे हैं तो उसको हम से रिमूव करते हैं। हमने इसको रिफ्रेश किया, यहाँ से स्पेस ख़त्म हुई, यहाँ पे हमने किया। अच्छा यहाँ से टोटल वाले उसमें फिर भी स्पेस आ रही है, ठीक है करेंसी है, टोटल अमाउंट है, और इन दोनों को आपस में हमने जोड़ना है। कार्ड टोटल आइटम, यहाँ पे अगर मैं जाऊँ कॉन्फिग के अंदर ये जुड़े हुए हैं। अच्छा यहाँ पे फासला क्यों आ जाता है जी, टोटल और या तो हम यहाँ पे ट्रिम कर लें और की स्पेस ख़त्म कर दें, बट हम इसको कंकेट कर रहे हैं, या फिर हम इसको कुछ इस तरह से कर दें विदाउट स्पेस के। प्लस किया, स्टिल स्पेस इज देयर। ओके लेट्स क्लिक ऑन इट, इसकी स्पेस को ख़त्म करूँ, ये कहाँ से ऐड हो जाती है स्पेस। अच्छा फिर से ऐड हो जाती है, ठीक है तो हमारे पास ये अमाउंट के साथ कहीं से आ रही है। अमाउंट को हमने जहाँ से हम अमाउंट को कट कर रहे हैं तो हमारे पास कैलकुलेट इंडेक्स कंट्रोलर, कैलकुलेट रिकॉर्ड आइटम, और ये देखिए हमारे पास प्रोडक्ट की करेंसी हम यहाँ से भी अपेंड कर रहे हैं। ठीक है इसकी वजह से यहाँ से ये स्पेस ऐड हो रही है। ठीक है तो या तो हम यहाँ से अपेंड कर दें, यहाँ पे वेरिएबल चेंज हो गया जिसकी वजह से इसकी करेंसी यहाँ पे लोड नहीं हो रही। ठीक है और बेस्ट वे यही है कि आप यहाँ से करेंसी को लोड ना करें, आप इस करेंसी को सर्वर साइड से ही लोड करें। अगर यहाँ से मैं ख़त्म करना चाहूँ तो यहाँ से भी ये चीज़ ख़त्म हो जाएगी। ठीक है ये जो स्पेस है मैं उसके लिए नहीं कर रहा, मैं जैसे आपको बेस्ट प्रैक्टिस बता रहा हूँ कि आपने कुछ इस तरह से करना है। अगर मैं इसको इस तरह से कर दूँ तो अब ये सही रिटर्न होगा जावास्क्रिप्ट के जरिए, मैं आपको दोनों करा देता हूँ क्योंकि आप दोनों उससे कर लें। ठीक है ये देखिए यहाँ पे हमारे पास स्पेस ख़त्म हो गई है। ठीक है और इसको मैं इधर सर्वर साइड पे रहने देता हूँ क्योंकि सर्वर साइड से मैं ख़त्म नहीं करना चाहता, मैं यहाँ से इसको ख़त्म करता हूँ, यहाँ से भी इसको ख़त्म कर देता हूँ। और इसका जो जस्ट नेम है यहाँ पे वो मैं अपडेट कर देता हूँ करेंसी सैम्बल। रिफ्रेश करें इसको, अपडेट किया सो हमारे पास ये ख़त्म हो गया, क्यों क्योंकि हमारे पास ये स्ट्राइप है ना कि प्रोडक्ट है। ठीक है उसके बाद यहाँ पे प्लस करें फिर से, हमारे पास स्टिल स्पेस आ रही है। ओह माय गॉड यहाँ से मैंने इसको ख़त्म नहीं किया, यहाँ पे जस्ट दोनों को आप कंकैट कर दें एक सिंगल उसके साथ, दैट्स इट। रिफ्रेश करें, प्लस करें, ओके आपके पास प्लस हो रहा है। ठीक है माइनस करें, हमारे पास रिडक्शन भी सही हो रही है। ठीक है तो हमारे पास ये एग्जैक्टली वैसे वर्क कर रही है जिस तरह से हम चाह रहे थे। ओके सो हमारे पास प्रोजेस प्रोडक्ट्स भी आ रही हैं, इसकी आप डेट को सेट कर सकते हैं। मैं यहाँ पे आऊँ, यहाँ पे ख़त्म करूँ, यहाँ पे आऊँ, इसको फॉर्मेट कर सकते हैं, डिप फॉर ह्यूमन भी कर सकते हैं। ठीक है जैसे क्या होगा ये ह्यूमन फ्रेंडली डेट शो करेगा, डिप फॉर ह्यूमन ये कार्बन का फंक्शन है, ये सिंपल आप स्ट्रिंग पे कॉल कराएंगे तो कहेगा स्ट्रिंग आप गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। ठीक है डिफ फॉर ह्यूमन,
आप एक स्ट्रिंग पे कॉल कर रहे हैं, ये देखिए 9 मिनट से को आ गया है, ठीक है। इसके लिए आपका कॉर्बन ऑब्जेक्ट होना लाजमी है। अगर आपके पास कॉर्बन ऑब्जेक्ट नहीं है, इस तरह से बाय डिफॉल्ट जो क्रिएटेड एट और क्रिएटेड एट होती हैं, ये कॉर्बन का ऑब्जेक्ट होता है, ठीक है। और आप इनको कन्वर्ट भी कर सकते हैं। अगर आपके पास नहीं है, आप एक सिंपल डेट यूज़ कर रहे हैं, तो आपने इस तरह से आना है, मंथ डे मंथ ईयर, और यहाँ पे कॉमा पास करके आपने str2 टाइम करना है, फिर इसके अंदर अपना ऑब्जेक्ट पास कर देना है। तब ये इस फॉर्मेट के अंदर डेट को रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है। ये देखें 9/9/2023, और यही डेट है आज। और गाइस अभी टाइम क्या हो रहा है, 9/9/2023, और टाइम भी हो रहा है 9/9, और डेट भी है 9/9। दैट्स ऑसम यार, मैं आपको शो करा देता हूँ, क्योंकि मेरे सामने आपका कैमरा आ रहा होगा, इसलिए मैं आपको शो करा देता हूँ। ये ऐसी चीज़ें, ओह माय गॉड, ओके, ये देखें यहाँ पे आ रहा है 9/9 टाइम हुआ, 9/9 डेट है, और 2023 यार ये साथ में राहुल लवर लगा हुआ है। तो ये देखें कुछ, अभी हमने टाइम को ऐसे रफली देखा और हमारे पास कुछ इस तरह से टाइम आ रहा था, तो हमारे पास ये कुछ एक्सीडेंटली इस तरह के केस हो जाते हैं। बाय द वे, आप सीरीज़ के बारे में आप क्या ओपिनियन है, ये सीरीज़ आप लोगों के लिए हेल्पफुल थी, इसमें नेक्स्ट जो सीरीज़ होंगी उसमें क्या चीज़ और इम्प्रूव की जाए, इसके बारे में भी आप सजेस्ट कर सकते हैं, और अपने इस चैनल को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं, ताकि मैं इस तरह के मोर कोर्स शूट करूं। और नेक्स्ट वीडियोस के अंदर मैं एडमिन डैशबोर्ड को इम्प्लीमेंट करूंगा, जिसके अंदर एक एडमिनिस्ट्रेटर होगा जो इन प्रोडक्ट्स को अपलोड करेगा, ठीक है। सो आई विल मीट यू इन द नेक्स्ट वन, कीप लर्निंग, बाय।